गूगल मैप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको गूगल मैप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको गूगल मैप चलाना नहीं आता है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप गूगल मैप का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गूगल मैप अभी सभी के मोबाइल में मिल जाता है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर जो आपको व्हाइट वाला आइकन है उस पर क्लिक करके इसको करंट लोकेशन में ले आएंगे। जैसे कोई प्लेस का आपको नाम फाइंड करना है, सर्च करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ ऊपर में जाएंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ लाल किला। इस तरीके से जैसे टाइपिंग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर इसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको यहाँ से पूरा टाइपिंग कर देना। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ रेड फोटो ऊपर में ही आ गया है। तो ये लाल किला है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेड फोर्ट आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पिक में भी आपको शो कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेड फोर्ट जो है आपके दूरी घर से कितनी दूरी के लिए है। तो इसके देखने के लिए डायरेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे जाना है। जैसे आप ड्राइव करके जाना चाहते हैं टू व्हीलर, बस से या पैदल या जिससे भी जाना चाहते हैं, इसको आपको चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर ड्राइव वाले पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपने होम एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ बिहार। इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर देना है और यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर सर्चिंग होना स्टार्ट हो चुका है। चार चक्का से जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि अब 20 घंटा 35 मिनट में आपको यह पहुँचाएगी। यहाँ पे आपको जो है चार चक्का या बाइक या बस या पैदल जो भी चूज करना है इस तरीके से चूज कर लीजिएगा। अगर पैदल जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 8 डे 7 घंटा में पहुँचाएगी। अगर बाइक से जा रहे हैं तो ये आपको 21 घंटा 23 मिनट और यहाँ चार चक्का से जा रहे हैं तो 20 घंटा 35 मिनट। इसका जो है आप प्रीव्यू देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के करके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से डायरेक्शन है, आपको ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको डायरेक्शन देख सकते हैं कि कैसे आप कैसे आपको जाना है। तो ये पूरा आपको रूट यहाँ पर शो कर देता है कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पीला वाला जो ऑप्शन है पिंक कलर का, तो ये जो थोड़ा जाम रहता है तो उसका यहाँ पर शो कर रहा है कि हल्का हल्का यहाँ पर जाम है। यहाँ पर जो ब्लू वाला है वो क्लियर रास्ता है। स्क्रॉल डाउन करके इस साइड में आइएगा। यहाँ पे अवल वाला देखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको रेड वाला मिल जाता है ऑप्शन, तो ये यहाँ पे आपको जो रास्ता है ब्लॉक किया गया है, यहाँ पर बंद है। तो इस तरीके से इसको बड़ा कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि साइड से रास्ता निकाला गया है जिससे आप साइड से इसे यहाँ पर अपने बम्बे आप जा सकते हैं इस तरीके से साइड से। तो यहाँ पर रेड पिंक और ब्लू का मतलब यही होता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको पिंक है वहाँ पर समझिए कि वहाँ हल्का जाम है, जहाँ रेड है वहाँ पर रास्ता आपका ब्लॉक है और जहाँ आपका ब्लू है वो आपका रास्ता क्लियर है और इस तरीके से आप जा सकते हैं। जैसे हमें कुछ और सेंड करना, जैसे अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि मेरे अगल बगल में जो है ATM कहाँ है आपके घर के अगल बगल में, तो उसको सेंड कर सर्च करने के लिए आपको फिर इसी में आना है। मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ ATM। यहाँ पर देखिए ATM नियर मी, मतलब आपका घर का के अगल बगल में कहाँ है, तो आपको इस तरीके से पूरा टाइप, अगर ATM नियर मी नहीं है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है नियर मी। अगर देखिए मैं जैसे मेरा यहाँ पर आ गया तो मैं यहाँ इस तरह पर क्लिक करूँगा और मेरे घर के अगल बगल में जितने भी ATM रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ केनरा बैंक आ चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, यहाँ पर प्राइवेट
प्राइवेट बैंक ऑफ एटीएम है, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से यहाँ कैनरा बैंक है, यहाँ बहुत सारा जो मेरे अगल बगल में है वो बैंक का है लिस्ट पूरे के पूरे यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ पे ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये बैंक का जो है कितने दिन देर तक खुला रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोजिंग जो है सुन है 4 PM में ये बंद हो जाता है, यहाँ 7 PM में बंद हो जाता है, या 5 PM में बंद हो जाता है, 4 PM में। तो इस तरीके से आप कोई भी बैंक का लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखना चाहता हूँ तो मैं इस पे डायरेक्शन वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि मेरे बैंक के पास लेके ये चला गया है, और मेरे घर से और यहाँ बैंक के जो दूरी है, ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी दूरी है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको 6 मिनट आपको बताया जा रहा है, पैदल यहाँ पे 14 मिनट आपको लगेंगे जाने में। अगर आप 4 चक्का से जा रहे हैं तो यहाँ आपको 6 मिनट, अगर पैदल जा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पैदल वाले पे है आपका 14 मिनट, इससे ये बाइक से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 7 मिनट में वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर शॉर्टकट भी आप जा सकते हैं, जैसे यहाँ शॉर्टकट आपको बता रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो इस तरीके से शॉर्टकट आपको लेके जाएगा। और यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, डायरेक्शन पर जाएंगे यहाँ पे टर्न राइट टर्न लेफ्ट और टेक अहेड, बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना डायरेक्शन देख सकते हैं, अगर आपके अगल बगल में बैंक वगैरह है तो इस तरीके से आप अपना डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ पे है, पैदल वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको और शॉर्ट रास्ता बताएगा कि आपको कैसे जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शॉर्टली बता देगा कि इस तरीके से आपको जाना है, और ये आपका रूट है आपके घर से, इस तरीके से आपको डॉट 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 जो ऑप्शन दिख रखा है ऐसे आपको यहाँ तक आना है। स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है, ये आपको बताता भी रहेगा कैसे कैसे आपको जाना है। इस तरीके से इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, और ये आपको डायरेक्शन बताता रहेगा कैसे कैसे आपको इस तरीके से जाना है। सो ये तरीका है आपके एटीएम का सर्च करने का। जैसे मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि मुंबई से मेरे घर की दूरी कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पे मुंबई डालेंगे, यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अगर नहीं आता है तो पूरा आप यहाँ सर्च कर दीजिएगा, अगर आ जाता है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके घर से मुंबई की डिस्टेंस की दूरी बता देगा कि कितनी दूरी है, और इस तरीके से आप यहाँ पर मैप में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देख डायरेक्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि पैदल जाना है, बस से, टू व्हीलर, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर मैं ड्राइव कर देता हूँ, ड्राइव पर करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी घर है वहाँ पर डालता हूँ, जैसे मैं भी यहाँ डाल देता हूँ बिहार, जैसे यहाँ पर बिहार यहाँ पर मैं डाला, यहाँ ऑप्शन आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर पूरा आपका ऐसे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर पैदल जा रहे हैं तो 14 दिन लगेगा, बाइक से जा रहे हैं तो इतना लगेगा, और फोर व्हीलर से मतलब 4 चक्का से जा रहे हैं तो आपको देख रहे हैं 36 घंटा में आपको यहाँ पर पहुँचा देगा, मतलब 1 दिन 12 घंटा में आपको यहाँ पे इतना 1881 किलोमीटर आपको पहुँचाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे इसको आप बड़ा भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुंबई है, तो इस तरीके से ये रूट है, इस तरीके से आप इसको बड़ा करते रहिएगा। और इसमें आपको कुछ पीला वाला ऑप्शन आएगा, कुछ रेड वाला तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो पीला वाला आएगा तो समझिएगा हल्का जाम है, रेड वाला आएगा तो समझिएगा ब्लॉक है, और यहाँ जो आप ब्लू है तो समझिएगा ये रास्ता आपका बहुत ही क्लियर है, और बहुत ही आराम से आप इस तरीके से आप वहां पे जा सकते हैं। और यहां पे परव्यू वाले पर क्लिक करके इसका परव्यू भी आप देख सकते हैं, यहां पे इस तरीके से देखिए आपको इस तरीके से पूरा परव्यू भी आपको यहां पे शो कर देता है। जैसे मैं यहां सर्च करता हूं कि मेरे घर से रेस्टोरेंट की दूरी कितनी है और कितना रेस्टोरेंट है, तो वो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ रेस्टोरेंट, यहाँ पर जैसे मैं डाला रेस्टोरेंट तो यहाँ पर देखिए यहाँ ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है, मैं रेस्टोरेंट पर क्लिक करूँगा और मेरे घर से रेस्टोरेंट के दूरी कितनी है और कितना रेस्टोरेंट है वो सारे के सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अम्बे स्वीट कॉर्नर का जो है रेस्टोरेंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 माइल का है, आलम का जो है यहाँ पर देख रहे हैं रेस्टोरेंट है, मनीष बांसोपट्टी रेस्टोरेंट यहाँ पर आ चुका है, और इसका रेटिंग भी देख रहे हैं यहाँ पर 5 रेटिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी 5 रेटिंग दिया हुआ, बट यह है चंदन सिंह हाउस, ये बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। इस तरीके से आपको ढेर सारा यहाँ पे आप जो है रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए रियाज चिकन जो है उसका भी यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर देखिए कि इसका पिक वगैरह भी डाले हुआ है, तो इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर आपको इतने सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाता है, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट में अगर आपको जाना, जैसे मैं यहाँ पर
अम्बे स्वीट कॉर्नर वाले पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो है पूरे के पूरे लिस्ट यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। इसमें जो भी फोटो वगैरह डाला रहेगा अपने रेस्टोरेंट का, इस तरीके से उसके रेस्टोरेंट का फोटो भी यहाँ पे शो कर देता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे उसका ओपन होकर आ जाता है। इसके बाद यहाँ मेनू है, मेनू पर क्लिक करके इसका मेनू भी देख सकते हैं कि कौन कौन से मेनू है इसमें और कौन कौन से आइटम ये जो प्रोवाइड करता है और जो पब्लिक को देता है। तो यहाँ पे इसके मेनू में जाके ये मेनू भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो है केक वगैरह बनाता है। यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करके इसका आप रिव्यू भी दे सकते हैं, जितना भी रिव्यू देना चाहते हैं, लाइक वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको दे सकते हैं। यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करके उसका जो भी फ़ोटो वगैरह होगा डाले होगा वो सारे का सारे फ़ोटो यहाँ पर इसका आ जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं कि मेरे घर से कितनी दूरी पे है तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कि मेरे घर से यहाँ पे मस्जिद या मंदिर कितना दूर है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दुर्गा मंदिर। सो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मंदिर बांसोपट्टी, तो यहाँ पर मंदिर बांसोपट्टी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ दुर्गा मंदिर, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ दुर्गा मंदिर बांसोपट्टी बिहार। इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि दुर्गा मंदिर का जो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, डायरेक्शन ओपन होके और यहाँ पे दुर्गा मंदिर यहाँ पे शो कर रहा है। इसका फ़ोटो जो डाले हुआ है यहाँ पर, फ़ोटो जो भी है इस तरीके से फ़ोटो भी आ जाता है। यहाँ डायरेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि दुर्गा मंदिर से आप जो एड्रेस है वो एड्रेस की दूरी जो है 19 मिनट का है, 1.6 किलोमीटर है। तो जहां पे आप अभी खा रहे हैं वहां से दूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जहां पर मोबाइल लेकर हूं वहां से खड़ा हूं, वहां का डिस्टेंस बताया जा रहा है। इस तरीके से आपका बाइक का ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से आप बाइक से भी जा सकते हैं। तो 9 मिनट लगेगा, अगर चार चक्का से जा रहे हैं तो 14 मिनट लगेगा, यहाँ पैदल जा रहे हैं तो आपको 19 मिनट लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दुर्गा मंदिर की जगह मैं डाल देता हूँ राजा जामा मस्जिद, देखिए यहाँ पर आ चुका है राजा जामा मस्जिद बेनी पट्टी। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बांसोपट्टी, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे राजा जामा मस्जिद बांसोपट्टी। इस तरीके से आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जहाँ से हैं राजा जामा मस्जिद और आपकी जो डिस्टेंस है मतलब दूरी जो है 8 मिनट की है और 650 मीटर है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं अपने घर से, अपने जो भी डिस्टेंस से, जहाँ भी जैसे पेट्रोल पंप वगैरह अगर सर्च करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इसी तरीके से आप जाएंगे यहाँ पे और अपने घर से पेट्रोल पंप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ पेट्रोल पंप, तो यही पेट्रोल पंप आपके घर से डिस्टेंस बता देगा। देखिए पेट्रोल पंप मैं बांसोपट्टी डाल देता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ डाला पेट्रोल पंप बांसोपट्टी, यहाँ आपके नियर में जितने होंगे नज़दीक में वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत पेट्रोलियम है, इसके बाद यहाँ माँ उर्मला पेट्रोलियम पंप है, इसके बाद HP पेट्रोलियम पंप है, यहाँ पर ढेर सारा आपको मिल जाता है। जिसको भी नज़दीक में है तो उसको आप यहां से देख सकते हैं, उसका टाइमिंग देख सकते हैं, क्लोजिंग टाइमिंग 11 PM है, 7:30 PM है, 11 PM है, 8 PM है। तो इस टाइम में ये पेट्रोल जो पंप है भैया बंद हो जाता है। अपना डिस्टेंस देखने के लिए डायरेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पर देख रहे हैं 17 मिनट में आप इस पेट्रोल पंप पर पहुँच सकते हैं। अगर पैदल जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं तो आप यहाँ 5 मिनट में पहुँच सकते हैं, चार चक्का से जा रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 मिनट में पहुँच सकते हैं जो 1.4 किलोमीटर है। जैसे मैं बाइक से जाना चाहता हूँ तो मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा इस पेट्रोल पंप पर। और ये जो आपका डायरेक्शन है स्टार्ट वाले पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल पे जो है ये वाला जो है गूगल मैप का ओपन करेंगे और बाइक पे बैठेंगे और यहाँ पे जाने के लिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको बताता रहेगा, ये स्पीकर है, स्पीकर से आपको बताता रहेगा और इस डायरेक्शन पे आप 5 मिनट के में अभी जो पेट्रोल पंप है इस पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस इसी तरीके से आप गूगल मैप से आप कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या आपका कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, होटल वगैरह है, या आप कोई पेट्रोल पंप है, पुलिस इसके बाद पुलिस स्टेशन है, कोई आपका बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ भी जाना चाहते हैं बस बहुत ही आराम से इसमें फाइंड कर दीजिएगा और वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि उसका जो किलोमीटर कितना है, कितना दूरी का है, कितना टाइम लगेगा, पैदल कितना लगेगा, चार चक्का से, दो चक्का से कितना टाइम लगेगा। तो आप बहुत ही आसानी से गूगल मैप में आप फाइंड कर सकते हैं।
तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।